और कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान और भारत में फंसे शहरियों की वापसी की तैयारियां। 82 पाकिस्तानी 9 जुलाई को वतन वापस पहुंचेंगे। 114 भारतीय 14 जुलाई को अपने मुल्क वापस जाएंगे। नई दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से भारत में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की वापसी की इजाजत दे दी, जिसके बाद भारतीय रियासतों नई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत दीगर शहरों से 82 पाकिस्तानी शहरी 9 जून की सुबह भारत के अटारी बॉर्डर पहुंच जाएंगे। इस मौके पर वाघा अटारी सरहद खसूसी तौर पर खोली जाएगी। सिफारती हुकाम के मुताबिक नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से अपने शहरियों की फहरिस्त भारतीय वजारत दाखिला को फराहम की गई है, जबकि भारत से वापस आने वाले पाकिस्तानी शहरियों का वापस पहुंचने पर कोरोना टेस्ट होगा और उन्हें 14 रोज के लिए क्वारंटीना में रखा जाएगा। भारत में फंसे पाकिस्तानियों में से ज्यादातर का ताल्लुक कराची और अंदरूनी सिंध से है और इनमें हिंदू बिरादरी के लोग ज्यादा हैं, जो मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए भारत गए थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी वापसी नहीं हो सकी थी। दूसरी जानब भारतीय वजारत दाखिला की दरखास्त पर पाकिस्तानी हुकाम ने लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में फंसे 114 भारतीय शहरियों को वतन वापस भेजने का फैसला किया है, जिन्हें 14 जुलाई को वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा जाएगा।